नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज अकबर, फिर स्वागत करता हूं आपका इंडियन क्रिएटिव फार्मा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पहुंचा हूं श्री गणेश वेल्डिंग वर्क्स नया गांव जिला नीमच मध्य प्रदेश में, जहां पर किसान की खेती को आसान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जुगाड़ बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक पर रिवर्स फॉरवर्ड गेट रोली जुगाड़ के बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम और किसान भाई इसको किस प्राइस में बनवा सकते हैं, साथ ही इसकी ए टू जेड जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका जो परिचय है वो जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, मैं नयागांव नीमच जिले तहसील जावत का निवासी हूँ और मेरी नयागांव में श्री गणेश वेल्डिंग वर्क्स के नाम से एक शॉप है, वेल्डिंग वर्क्स है। मैं वेल्डिंग वर्क के बहुत सारे काम, जैसे बैंड की गाड़ी है स्टील में और ये दरवाजे खिड़कियाँ सारे बनाता हूँ, लेकिन मैंने अब की बार एक नया जुगाड़ तैयार किया है जो मैं पंकज जी को यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को इस जुगाड़ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो इसमें जो आपने इंजन यूज़ किया है वो कितने सीसी का है? अभी तो इसमें 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है, लेकिन आप ज़्यादा सीसी का इंजन लाएंगे, जितना बढ़िया सीसी का लाएंगे उतनी और बढ़िया गाड़ी चलेगी और बढ़िया रहेगी। मतलब जितना सीसी इंजन अच्छा होगा उतना ही बढ़िया गाड़ी अच्छा लोड लेगी आराम से। तो आपने जो ये गाड़ी है इसमें जो इस ट्रॉली की जो साइज़ है वो क्या लिए है? इसकी ट्रॉली की साइज़ है 4x6 चौड़ी है और 6 फीट लंबी है। अच्छा, और जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है? इसकी कैपेसिटी हम दे रहे हैं गाड़ी की 2 क्विंटल के अलावा 8 क्विंटल की कैपेसिटी हम दे रहे हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। जो हमारे किसान भाइयों की है इसमें डिमांड रहती है कि इस ट्रॉली की जो साइज़ है बढ़ती है या घटती रहती है, उसके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों को जैसे बहुत से किसान होते हैं कि हमें इस साइज़ में ये ट्रॉली चाहिए और इस साइड में ही लंबी चाहिए, इस साइज़ में छोटी चाहिए, तो हम उनको इस तरह की बनाकर कंप्लीट करके देते हैं। वैसे तो हम 4x6 की कंप्लीट ट्रॉली एक ही साइज़ में बनाते हैं। अच्छा सर, तो आपने जो इसमें टायर है यूज़ किया है उसके बारे में बताइए, किस तरीके का यूज़ किया है? टायर हमने मारुति वैन के कंपनी के 14 नंबर टायर यूज़ किए हैं। अच्छा सर, तो इसमें आपने एक मैं भी देख पा रहा हूँ कि इसमें आपने कब्बानी सिस्टम यूज़ किया है, शोकर का यूज़ नहीं किया, उसके बारे में बताइए। शोकर पर गाड़ी हम लोड नहीं लेती इतना, कब्बानी पे आप जितना लोड दे पाओगे उसकी ना दबेगी गाड़ी ना कुछ नहीं होगा। क्वालिटी यूज़ की है उसके बारे में बताइए। गाड़ी इसमें सारा मटेरियल अपोलो और टाटा के माल से बना हुआ है। अच्छा, और आपने इसमें एक गियर का सिस्टम दिया है उसके बारे में बताइए। ये है, ये जो गियर है ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को चलाने के लिए, और ये हेवी लोड को इस गाड़ी के गियर के अलावा ये लोड हेवी यही गियर लेता है, सारे गियर जितने भी लोडिंग से आप करोगे वो हेवी वेट इसको यही लोड लेता है। और जो आपने इसमें इसको रोकने के लिए जो ब्रेक का सिस्टम दिया है उसके बारे में बताइए। ये हमने जो अक्सर लोग गियर ब्रेक का कम लगाते हैं, हमने नया ये ब्रेक का पूरा जुगाड़, पावर ब्रेक है, एक ही बार में गाड़ी दबाने से वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। मतलब किसान भाइयों, जुगाड़ी कुल मिला के लोड के लिए लिया है, तो उसमें भाई साहब ने इसमें पावर ब्रेक का यूज़ करके इसको रोकने के लिए अच्छी ब्रेक का उपयोग किया है। तो सर, जो इसका जो प्राइस है वो क्या रहेगी वो हमारे किसान भाई को बता दीजिए। ये गाड़ी है रिवर्स और फॉरवर्ड, इसका हम प्राइस रख रहे हैं 50,000 रुपये। 50,000। और जो इसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या रहेगा उसके बारे में? सिस्टम जैसे कोई बाहर की पार्टी है तो उसको ट्रांसपोर्ट के जो लगेज का पैसा लगेगा उस पार्टी को देना, हम ट्रांसपोर्टर तक पहुंचा देंगे और उसको बिल्ट्री देने के बाद जैसे पेमेंट बाकी है तो बिल्ट्री का फ़ोटो व्हाट्सअप करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट हमें करना पड़ेगा। अच्छा, एक हमारे किसान भाई को यह रहता है कि वो बाइक के बारे में पूछते हैं कि बाइक किसान खुद लाएगा या आप उसको अवेलेबल कराएंगे? नहीं, बाइक किसान बाइक ही रहेगी, हमें तो केवल बाइक का नाम बताना है, ये बाइक हम उस बाइक के हिसाब से उस गाड़ी को बना के कम्प्लीट कर देंगे। अच्छा सर, और वहाँ ले जाके वो आसानी से फिट कर सकते हैं। और जो इसका पेमेंट का सिस्टम क्या रहेगा उसके बारे में बताइए। पेमेंट किसान भाई को ऑर्डर देते समय 50% पेमेंट हमारे खाते में डालना है, भले बाहर से हो कहीं से भी हो, उसके बाद जैसे गाड़ी वो उनको ले जाएंगे तब पूरा पेमेंट करना है। आपकी शॉप पर और कौन कौन से जुगाड़ बनाए जाते हैं? जी, हमारी शॉप पर कृषि से संबंधित जैसे खरपतवार निकालने के करपे का जुगाड़, और विशेष हमारे यहाँ पर कोई आसपास हमारे स्टील की बाइक पर स्टील की गाड़ी पता से कि कंप्लीट करके नहीं देता है, तो मैं पूरी गाड़ी नीचे से स्ट्रक्चर से लगा के स्टील की पतासे तक की गाड़ी कंप्लीट करके देता हूँ।
और हमारे यहाँ मंकी क्रेन जो कि लोगों को बड़े बड़ी बिल्डिंगों पर 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग में मटेरियल चढ़ाने के लिए परेशानी आती है, मजदूरों को नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैंने एक मंकी क्रेन बनाई है जो सीलिंग क्रेन मोटर द्वारा चढ़ जाएगी और उसी द्वारा उतर जाएगी, लोडिंग भी आराम से हो जाएगी। और हमारे यहाँ बैंड की गाड़ी पे स्टील का कार्य भी किया जाता है। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा और भाई साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो आप भी इस जुगाड़ को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके इस जुगाड़ को आसानी से खरीद सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जो आपका जो परिचय है वो ज़रा हमारे किसान भाई को कराइए। मेरा नाम हरीश धाकड़ है। सर, आप हमारे किसान भाई को बताइए कि ये जुगाड़ आपको कैसा लगा और किसानों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। किसानों के लिए जहाँ तक देखा जाए तो किसानों के खेतों पे जाने के, बहुत सारे खेतों पे जाने के रास्ते भी संकरे होते हैं। किसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी के लिए बहु उपयोगी उपकरण है। सर, आप ये जुगाड़ देखने आए या यहाँ पर खरीदने आए? इस जुगाड़ के बारे में हम खरीदने की सोच रहे हैं और सुनील जी हमारे मित्र हैं। अच्छा। और उनको जब ये आइडिया आया तो हम बैठे थे, हमने बात की तो उन्होंने बताया, तो ये काफ़ी किसानों के काफ़ी काम की चीज़ है और ऐसी चीज़ों से किसान लगभग अपने सारे काम को आसानी से निपटा सकता है। अच्छा सर, उसके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है किसानों। तो किसान भाई आपने भी देखा बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, इसको खरीदे आप, यहाँ पर विजिट करके आप खरीदिए या ऑनलाइन पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान भाई तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।